तो भाई लोग अभी इधर से निकल जाएंगे क्योंकि पूरा खाली हो चुका है टाइम भी हम लोग का। तो भाई अभी हम इधर से और लगभग 30 किलोमीटर दूर। तो भाई लोग अभी मैं सौरभ भाई थोड़ा सा पैदल पैदल हमेशा नया नया कुछ ट्राई करना चाहिए, तो आज जा रहे हैं हम लोग कार से। फर्स्ट टाइम जा रहे हो कार से, और ड्राइवर तुम्हारा भाई और एक मेरा दोस्त आ रहा है, ठीक है, उसको भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो, उसको भी दिखाएंगे, जो कि सौरभ भाई। सौरभ भाई को लेके जाएंगे हम अभी खड़ा, अभी मैं खड़ा हुआ, अभी मैं रुका हुआ हूँ इधर, वो आ रहा है सौरभ, तो उसके बाद जाएंगे दोनों मिलके, एंजॉय करेंगे, बंदर नचेगा, हम भी नचेंगे, आपको भी नचाएंगे, ठीक है। चलो स्टे ट्यून विथ मी, पता नहीं ब्लॉग इसके जरिए आएगा या फिर GT से ट्रांसफर करके कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई। तुम्हारा भाई जब है टेंशन मत लो, ब्लॉग में पूरा एंजॉय दिलाएगा, ठीक है। तो भाई लोग अभी मैं सौरभ भाई थोड़ा सा पैदल पैदल ऐसे घूमते हुए चले आए, बीच के साइड में घूम रहा था अभी, तो उधर लाइट नहीं था इसीलिए अपन कुछ शूट नहीं कर पाए, पर अभी इधर दिखा रहे कि दुकान वगैरह सब कुछ खुला हुआ है, पर टूरिस्ट उतना ज़्यादा नहीं है इधर। पहले बार जब आए थे मैं सान वान करके आए थे, बाइक से आए थे तब, तो तब था टूरिस्ट, अभी ना के बराबर एकदम पीछे सामने पूरा खा लो, एकदम रिजल्ट खाली है एकदम, मतलब दिसंबर के महीने में फिर भी ऐसा सीन है, मेरे को नहीं पता। मैं सोचा था कि हम लोग को रूम भी नहीं मिलेगा, पर रूम तो मिल ही गया है, और हम लोग इधर पैदल कहाँ जा रहे हैं पैदल। तो भाई हम लोग अभी सोच रहे हैं कि अंदर से जाएगा, और इधर दो मंदिर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मंदिर, और दुकान टेडी बियर बहुत अच्छा लग रहा है देख। सोच रहे हो दीदी के लिए ले लूँ, पर पैसा नहीं मिलेगा उसके लिए, क्यों ले लें। बाकी बहुत बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन है इधर, मतलब दुकान वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया है इधर का, ये बढ़िया लगा मेरे को। और इधर पार्किंग साइट, 2000 years later, वेरी गुड मॉर्निंग भाई लोग, अभी जस्ट सोके उठे हम लोग, और टाइम हो चुका है अभी 10:41, अभी जस्ट टिफिन वगैरह किया, और पीछे का सीन बहुत गदर है आपको दिखाएंगे, तो पहले थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, इधर रुकेंगे घूमेंगे, उसके बाद घर निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, घर भी जाना है हम लोग को। तो यही अपडेट है, अभी फोटोशूट वगैरह सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या सीन बनता है, जैसे जैसे बनता है आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। भाई सौरभ भाई एक फ़ोटो क्लिक क्या कर दिया भाई, गजब, बहुत दिन के बाद ऐसा फ़ोटो क्लिक किया, पर मस्त। अभी इस साइड वाला थोड़ा सा एक लेंगे बीच शॉट, ठीक है, और अरे मुझे भी तो लो, ठीक है। और सीन भाई ऐसा है बाहर का, जो कि बहुत बढ़िया है, ऑलमोस्ट मैं 2 साल के बाद इधर आया हूँ, फर्स्ट टाइम आए थे बाइक के साथ, अभी आया हूँ कार के साथ, पर फीलिंग्स वही है, ठीक है, कुछ अपडेटेड नहीं है। और बीच में मतलब लोग एकदम, लोग बोल रहे मतलब कोई भी नहीं है, मतलब टूरिस्ट इतना कम क्यों, वाई 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 द टूरिस्ट इज इतना कम। और सी
तो भाई उधर जो देख रहे हो ट्रॉलर वगैरह वो बेसिकली फिशिंग के लिए है, और इधर होटल वगैरह ऐसा नहीं है कि बहुत डेवलप हो चुका है, वैसे ही है, हो रहा है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ हो रहा है। और हम लोग वो वाले होटल में थे, वो जो ये वाला में अभी जाएंगे, कार उठाएंगे और भाग जाएंगे, और कुछ नहीं। बाकी जो लोग आना चाहते हो वेस्ट बंगाल में है मंदारमणी ये, और ऑलमोस्ट कोलकाता से, शायद मेरे को कोलकाता का तो आइडिया नहीं है, 100 के अंदर ही होगा, ठीक है, कोलकाता से 100 के अंदर ही होगा, तो आ सकते हो आप लोग अगर आना चाहते हो तो। दीघा, मंदारमणी, शंकरपुर सब एक ही एरिया में पड़ता है बेसिकली, तो आ सकते हो। और ढेव एकदम नहीं है, मतलब वही पे एकदम नहीं है। हम लोग आने के टाइम इस रास्ते से तो नहीं है, पर ये रास्ता बहुत प्यारा है, राइट साइड में हम लोग का।